राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले जम्मू में एक और आतंकी मुठभेड़ हुई। बुधवार को तलाशी अभियान के दौरान जंगल में छिपे चार आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग कर दी। इसमें 48 राष्ट्रीय राइफल्स के कैप्टन दीपक सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। जवाबी कार्रवाई में चारों आतंकी जख्मी होकर गोला बारूद छोड़कर भाग गए। बाद में एक आतंकी का शव बरामद हुआ। तीन की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आनंद जैन ने बताया कि हमें खून से लथपथ चार बैकपैक और अमेरिका में बनी M4 कार्बाइन भी मिली है। इन आतंकियों ने मंगलवार शाम उधमपुर के पटनी टॉप से डोडा में एंट्री की थी। इस इलाके में आतंकियों की मदद करने वाले चरवाहा मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। 12 अगस्त को सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक मॉड्यूल पकड़ा था जिसमें 9 सदस्य थे। ये लोग ऊंचे पर्वतीय इलाकों में ढोंग बनाकर रहते थे। ये लोग सांबा व कठुआ बॉर्डर से घुसपैठ करने वाले आतंकियों को ढोंग में रुकने, खाने और पहाड़ों व जंगलों में छिपने की ट्रेनिंग देते थे। इन्हीं के बताए रास्तों पर चलकर आतंकी डोडा, किशतवाड़, रियासी और उधमपुर तक पहुंचे। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।